परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाशमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे वंदे गुरुवरं वंदे सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेंद्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है योगा फॉर कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी समस्या हर परिवार में देखी जा रही है। पेट साफ न होना, इसके वजह से तरह तरह की बीमारियां हमें घेर लेती है। सुबह उठकर हमारा पेट बिल्कुल अगर साफ हो जाता है तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, लेकिन आजकल का जो हमारा खान पान है, जो हमारी दिनचर्या है, हम देर रात को सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, तो इसी वजह से कब्ज की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा देखने को आ रही है। छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक पेट की सफाई नहीं होना सुबह सुबह, ये एक आम बात सी हो गई है। और ऐसा भी देखा जा रहा है घंटों आधा घंटा पौन घंटा लोग सुबह जब टॉयलेट जाते हैं वहां बैठे रहते हैं, पेट साफ नहीं होता है उनका। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? मैंने जैसे ही बताया हमारा तो खान पान आजकल बिगड़ गया है और दिनचर्या बिगड़ गई है, ये एक तो मुख्य कारण है। तो पेट की सफाई सुबह सुबह हमारे लिए कितना जरूरी है ये हम जानेंगे, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आसन योगाभ्यास में इसमें कौन से आसन है जो आसन हम करने से हमारी ये प्रॉब्लम ये समस्या दूर हो सकती है। तो आज हमारे साथ अहमदाबाद से माधुरी जी लूनिया हमारे साथ जुड़ी हुई है, जानी मानी योगा ट्रेनर, हमारे परिचित, हमारे MP के फिटनेस क्लास की मेंबर। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए माधुरी जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें और कॉन्स्टिपेशन से हमें छुटकारा कैसे मिल सकता है, इसके लिए हमें कौन से प्रयोग करने चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है MP के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए और आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए। अभी कुछ सैटरडे से मैं जुड़ नहीं पा रही थी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आज का विषय हमारा है कब्ज, कि कब्ज क्यों होने लगा है और आज की भागदौड़ की जिंदगी में कब्ज एक ऐसी बीमारी है लोग इसके बारे में खुल के बात भी नहीं करना चाहते हैं। अगर किसी को कब्ज है तो वो बोलना भी नहीं चाहता कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो कब्ज होने के, जैसे सर ने बताया कि हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या काफी बदल गई है और
आजकल की लाइफ में फास्ट फूड बहुत ज्यादा आ गया है, जंक फूड बहुत आ गया है, जहाँ पे हमें पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिलते हैं। पर उसके साथ एक चीज ये भी ऐड हो गई है कि हमारी भावधारा, जो हम परीक्षा ध्यान में पढ़ते हैं कि हमारे कहीं ना कहीं विचार भी हमें कब्ज के लिए जिम्मेदार है। अगर हमारे शरीर में बहुत ज्यादा डर, क्रोध या किसी के लिए जेलसी हम बहुत सालों तक रखते हैं तो भी हमें कब्ज होने लगता है। इसका एक ये भी है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में भी कब्ज के ऊपर एक मेडिटेशन है, उसमें हम अपने शरीर को अफर्मेशन देते हैं। और आप सभी जानते हैं कि हमारी सोच से हमारा शरीर काम करता है। अगर हम ये सोचने लग जाते हैं मैं बीमार हूँ तो हम बीमार फील करने लग जाते हैं, और वहीं हम 10 बार अगर ये बोलते हैं मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ तो मैं एनर्जी फील करने लग जाती हूँ। तो उसी तरह से जैसे हम अगर किसी के प्रति क्रोध है, किसी की चीज का डर है जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, हमारे इमोशंस होते हैं उन्हें हम सप्रेस करके रखते हैं सालों तक, तब भी हमारे शरीर में बीमारी पैदा होने लगती है। तो आज का सेशन में हम पेट की कुछ क्रियाएं करेंगे। ये जो क्रियाएं है पेट की वो हमारे श्वास के साथ क्रिया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पेट, हम जो खाना है वो हमारे पेट में जाता है, उसके बाद वहां से बड़ी आंत, और उसके बाद उसका पोषक तत्व निकल के जो वेस्ट होता है वो बाहर निकलता है। तो सबसे पहले हमारी आंतें जो है वो स्ट्रांग होनी जरूरी है। हमारी आंतों का फैलना सिकुड़ना बहुत जरूरी है। जहाँ पे आप घंटों बैठे रहे और कुछ हमारा नियमित कोई अभ्यास नहीं है, आजकल की जो लाइफस्टाइल है ऑनलाइन सब कुछ होने लगा है, ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी है, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, तो बाहर जाके खेलना कूदना कहीं पे भी होता नहीं है, हमारी शरीर की क्रियाएं बहुत कम होने लगी है। तो सबसे पहले हम पेट की क्रियाएं करेंगे, पेट और श्वास की क्रियाएं, जिसमें हमारे पेट की आंतों को हम फुलाएंगे और सिकुड़ेंगे। कुछ सिंपल से अभ्यास है जो एज वाले हैं वो भी इसे कर सकते हैं। फिर कुछ हम आसन करेंगे और अगर समय साथ दिया तो हम 5 से 7 मिनट का मेडिटेशन भी करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे, उसके लिए खड़े हो जाएंगे, दोनों पैर एक साथ तारासन में स्ट्रेच करेंगे, पूरे शरीर को ताने अपनी पंजों पे आ जाएंगे। से वापस आए और रिलैक्स। अब हम सीधे खड़े रहेंगे, दोनों हाथ आपके हाइज पे रहेंगे और 5 बार आज जो भी हम क्रिया करेंगे, नॉर्मली 10 बार करने से आपको पेट में फर्क लगता है लेकिन थोड़ा समय कम रहता है, इसलिए 5-5 बार ही करेंगे। अगर आप डेली प्रैक्टिस करें तो 10 बार कर सकते हैं। दोनों हाथों को सीधा रखें, सामने देखते हुए 5 बार लंबी सांस लेंगे, हर बार पेट को फुलाएंगे और जब सांस छोड़ेंगे अपनी आंखों को सिकुड़ेंगे। आंखें खुली रखें, 5 बार पेट फुलाएं, सांस छोड़ें, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल exhale, last time, सांस भरे और सांस छोड़े, relax। दूसरी क्रिया करेंगे, इसमें हम 5 बार तेजी से सांस लेंगे और तेजी से सांस छोड़ेंगे, उसमें भी पेट को फुलाएंगे और पेट की आंतों को सिकुड़ेंगे। अब ऊपर की तरफ देखेंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे, आप अलग आकाश की तरफ देखेंगे और 5 बार लंबी और गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे, फिर से पेट को फुलाएंगे, पेट को सिकुड़ेंगे। ऊपर की तरफ देखें, पलकों को झपकाएंगे नहीं, शुरू करेंगे। Last time and relax। किसी को हल्का सा डिजीनेस भी लग सकता है जब हम सांस की क्रिया करते हैं, थोड़ा सा हमें
क्योंकि इतनी अवेयरनेस होती नहीं है सांस लेने और छोड़ने की, तो हल्का सा डिजीनेस भी कभी कभी लगने लग जाता है। तो उसके लिए आप थोड़ी देर बैठ जाएं और फिर से शुरू करें। फिर से 5 फुट की दूरी पर देखेंगे और फिर से 5 बार लंबी सांस लेंगे और लंबी सांस छोड़ेंगे। थोड़ा सा दूर देखें 5 फुट की दूरी पर। लास्ट टाइम रिलैक्स। अब आप सांस लेंगे, एक बार सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ, सांस पूरा लेंगे, सांस छोड़ देंगे और इसके बाद कौवे के जैसे अपने होठों को बनाएंगे, जीभ को बनाएंगे, सांस भरेंगे, पेट को फुलाएंगे, फेफड़ों को फुलाएंगे और मुंह को फुला के अपनी ठुड्डी को कंठकूप पे यानी वहां पे लगा लेंगे और होल्ड करेंगे। अंतर कुंभक में मूल बंध लगाने की कोशिश करेंगे। मूल बंध आप सभी जानते हैं, अपने एनस के हिस्से को ऊपर की तरफ खींचना। कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे और फिर छोड़ देंगे। ये हम 3 बार करेंगे। सीधे खड़े हो जाएंगे, पूरी सांस बाहर निकालेंगे। अब कौवे के जैसे अपनी जीभ को इस तरह से करें, सांस भरें, वहां से मुंह से सांस भरें। कुछ देर रुक के रहेंगे। जीभ को आप करें, नाक से एक्सहेल करें। फिर से एक बार फिर से करें। चिन को आप करें और रिलैक्स करें। फिर अपने अंगूठे को आगे रखें, अंगुलियों को पीछे 30 डिग्री पर जाएंगे और 5 बार सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। इस तरह से 30 डिग्री पे जाएंगे और अच्छे से सांस भरेंगे तब पेट खुलेगा, सांस छोड़ेंगे पेट को अंदर लेके जाएंगे। 5 बार लंबी सांस और लंबी सांस छोड़ेंगे। लास्ट टाइम एंड रिलैक्स। अब हम सेम चीज 90 डिग्री पे जाएंगे लेकिन थोड़ा फास्ट करेंगे। जब अंगूठा आपका आगे रहेगा, जब आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आप फील कर पा रहे होंगे यहाँ पे एक मोशन होता है, हमारी हाथों का मोशन हमें फील होता है। 90 डिग्री पे जाएंगे, फिर से लंबी सांस लें और लंबी सांस छोड़ें। लास्ट टाइम रिलैक्स। आ जाएंगे फिर से, अब 30 डिग्री पे जाएंगे, पूरी सांस को बाहर निकालेंगे और पेट को अंदर बाहर करेंगे, यानी पूरा बाह्य कुंभक आपका होगा और पेट को अंदर बाहर करेंगे। एक बार देखेंगे, ये भी हम 5 बार करेंगे। 30 डिग्री पे जाएंगे, इस तरह से पेट को अंदर बाहर कर रहे हैं। करते हैं एक साथ, सांस बाहर निकालें, सांस भरते हुए वापस आ जाएं। जिसकी जितनी कैपेसिटी है अपनी सांस को रोक के रखने की, उतनी देर सांस रोके फिर आप ऊपर आ जाएं। फिर से सेकेंड राउंड करें, फिर से सांस भरें, सांस छोड़ते हुए सांस भरते हुए वापस आ जाए। एक लंबी और गहरी सांस लें। सेम चीज आप 90 डिग्री पे करेंगे, फिर से अंगूठा आगे
अंगुलिया पीछे, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए 90 डिग्री पे आ जाए, पूरा पेट खाली कर दे एंड स्टार्ट। सांस भरते हुए फिर से आए, फिर से ग्राउंड, सांस भरे, सांस छोड़ दे, सांस भरते हुए वापस आए, रिलैक्स करें खुद को, एक लंबी और गहरी सांस लें। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर रखेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेंगे, सांस छोड़ते हुए अपनी थाइस पे रखेंगे और पूरा सांस छोड़ के पेट को अंदर की तरफ खींच लेंगे और मूल बंद लगाएंगे। एक बार देखेंगे, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए पूरे पेट को अंदर खींच लें, सांस भरते हुए वापस आए, एक बार फिर से सांस भरे, सांस छोड़ते हुए सांस भरते हुए वापस आए। रिलैक्स, एक लंबी और गहरी सांस लेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे बिल्कुल। दोनों पैर एक साथ, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे, अपने पंजों के पास पैरों को रखेंगे और श्वास की क्रिया आपकी ऐसी रहेगी कि जब आपने सांस छोड़ रहा है एटलीस्ट 10 सेकंड होल्ड करें, फिर से वहीं पे सांस भरें और फिर से सांस को छोड़ें। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं और वहीं पे रुक जाएं। आप अपने अंगूठे को पकड़ सकते हैं तो अंगूठे को पकड़े और वहीं पे रुक जाएं। सांस छोड़े रुके 10 सेकंड के लिए, फिर से सांस भरे, सांस छोड़े, लास्ट टाइम फिर से सांस भरे, फिर से सांस छोड़े, धीरे धीरे वापिस आ जाए। अपने दोनों पैरों के बीच में गैप करें, आपका राइट पंजा राइट साइड, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए जब आप नीचे जा रहे हैं तो राइट साइड ही अच्छे से ट्विस्ट करें, आपका जो एल्बो है अच्छे से ट्विस्ट करें और रुके वहां पे, पूरा अच्छे से अपने पेट को ट्विस्ट दे, रुके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे वापस आ जाए। दूसरे साइड, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाए, अपने अपोजिट हैंड को ट्विस्ट करें, कमर को ट्विस्ट करें, फेस अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे वापस आ जाए। सभी आसन कम से कम हम 3 बार करते हैं तो हमारे पेट की क्रिया धीरे धीरे 10 से 15 दिन में ठीक होने लग जाती है। शंख प्रक्षालन सभी ने सुना है, जो पेट की क्रिया के लिए किया जाता है अपनी आंखों की सफाई के लिए, तो उसके जो आसन है वो भी हम रोज सुबह
गर्म पानी पिए और उन आसनों की 9 बार प्रैक्टिस करें। तो वो आसन आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले ताड़ासन में जाएं, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए वापस आए, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए अपने राइट साइड जाए, रुके कुछ देर के लिए। सांस भरते हुए वापस जाए, फिर से सांस भरे, सांस छोड़ते हुए दूसरे साइड जाए, धीरे धीरे वापस आए। ये सारे आसन आप गर्म पानी पिए और उसके बाद 9 बार इनकी क्रियाएं करें। ये सारे आसन 9 बार करें, फिर एक ग्लास पानी पिए गर्म गुनगुना पानी और ये आसन करते जाए। दोनों हाथ सामने करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड जाएंगे। जब आप पीछे जा रहे हैं अपनी मुट्ठी बनाएं और थोड़ा सा पुश करें अपनी लोअर बैक। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से सांस भरते हुए आए, सांस छोड़ते हुए राइट साइड। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए लास्ट टाइम, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड एंड रिलैक्स। मलासन में बैठेंगे, इस तरह से बैठें और अपने जब आप इस साइड जा रहे हैं तो कोशिश करें आप ऐसे ट्विस्ट करें खुद को और फिर चलित में इस तरह से अपने एक पैर के अंगूठे को रखें, दूसरे से ट्विस्ट करें, वापस जाए, सांस छोड़ते हुए हर बारी सांस भरते हुए हर समय आगे आए और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। लास्ट टाइम एंड रिलैक्स। अब मलासन में बैठे। जब हम पानी पीते हैं तो सुबह का पानी, वैसे भी हम जितनी बार पानी पीते हैं हमें इसी तरह से बैठ के पानी पीना चाहिए। अगर पूरा दिन हम नहीं पी पाते हैं तो एटलीस्ट जो सुबह हम पानी पीते हैं हमेशा इस स्थिति में बैठें और एक एक घूंट पानी, गर्म पानी पिए। जब आप आसन आसन की प्रैक्टिस करते हैं तब भी आप इस तरह से गर्म पानी पिए बैठ के और आसन की प्रैक्टिस करें। मलासन में बैठेंगे, दोनों पैरों के पंजे बाहर की तरफ, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट और बैठे। कोशिश करें आप अपने हाथों से अपनी थाइस को थोड़ा और बाहर की तरफ खींच सके। लंबी सांस लें, मूल बंद लगाएं, सांस छोड़ें। फिर से आपका जो मूल का हिस्सा है उसको हर बार सिकुड़े और फैलाएं। 5 बार करेंगे, आंखें बंद, पूरी अवेयरनेस रखें। एक बार वज्रासन में बैठे, अपने आप को रिलैक्स करें, लंबी और गहरी सांस लें। फिर से हम मलासन में बैठेंगे और मलासन में ट्विस्ट करेंगे। जो लोग मलासन में ट्विस्ट नहीं कर पाते हैं, अगर सपोज आप ऐसे बैठ के ट्विस्ट नहीं कर पाते हैं
तो आप सिंपल भी कर सकते हैं, अपने हाथ को ऊपर ले जाएंगे। ट्विस्ट करने के लिए आपका राइट हैंड पीछे ले और लेफ्ट हैंड से लॉक करें और फेस अप इस तरह से ट्विस्ट करें। सपोज ये ट्विस्ट नहीं कर पाते हो तो इस तरह से अपने हाथ को रखो और ऊपर ले जाओ। ट्विस्ट किस तरह से करना है, आपने अपना राइट हैंड लिया, लेफ्ट हैंड से लॉक किया, फेस अप, हाँ सर यहाँ से लीजिए, पीछे से लीजिए, ऐसे लीजिए और उल्टा हाथ लाइए। एक ही पैर आपका जो राइट लेग है, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड बाहर से लीजिए कमर से। सपोज ये नहीं कर पाते हैं तो हम अपने राइट हैंड को लेफ्ट साइड रखो और अच्छे से ट्विस्ट करो, ऊपर की तरफ देखो, आपका पूरा प्रेशर इस साइड पे आता है। होल्ड करके रखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अपने दूसरे साइड ट्विस्ट करेंगे, लॉक करें, फेस अप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स करें बालासन में, बालासन में रिलैक्स करें। एक लंबी और गहरी सांस लें, बैठ जाएंगे। बटरफ्लाई में बैठे, अपने जब हम बटरफ्लाई करें कोशिश करें आप अपनी पेट की आंतों को अच्छे से टाइट करके रखें, क्योंकि हमारी आंतों की स्ट्रेंथ भी बढ़ाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारा खाना आंतों से बाहर पेट की ओर जाता है। तो हमारी आंतों को भी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाना है। आंखें बंद कर लें, पूरी अवेयरनेस के साथ सांस भरे, पूरा सांस छोड़ते छोड़ते नीचे जाएं, जितना आप जा सकते हैं धीरे धीरे नीचे जाएं, जहां तक भी जा सकते हैं रुक जाएं। और वहीं पे अपनी पेट की क्रिया को कैसे करना है, आपने पूरी सांस छोड़ी हुई है, फिर से वहीं पे सांस लें, फिर से सांस छोड़ें। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, धीरे धीरे वापस आ जाए। रिलैक्स, दोनों पैर को सीधा कर ले, घुटने को थोड़ा ऊपर नीचे करें, पश्चिमोत्तासन, सांस भरे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए। अपने पैर के पंजों को पकड़े, एंकल को पकड़े, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है। आंखें बंद कर लें और सिर्फ अपनी पेट की क्रिया पे ध्यान रखें, लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़े। आंखें बंद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस भरें, हाथों को उधर ही रखें, सांस भर के सिर्फ अपने आप को थोड़ा ऊपर लाएं। फिर से सांस छोड़ते हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस भरते हुए वापस आए एंड रिलैक्स। अपने राइट पैर को सीधा करें, लेफ्ट पैर को
इस तरह से उसके साइड में ले आए अर्धमत्स्येन्द्र आसन, इसे वक्रासन भी कहते हैं। अपने पेट को कमर को अच्छे से ट्विस्ट करें, उसके बाद आपके शोल्डर स्पाइन आपका बिल्कुल सीधा, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए रुके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस आए, पैर को चेंज करें, सांस भरे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सांस छोड़ते हुए पूरा अच्छे से अपनी कमर को ट्विस्ट करें, अपने पेट को दबाएं अच्छे से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस आए, एक लंबी और गहरी सांस ले। लास्ट हमारा बैठ के आसन, मार्जरी आसन, कैट कैमल पोजिशन में आएंगे। जब आप सांस भरते हुए ऊपर कर रहे हैं, अपने पेट को मांसपेशियों को अच्छे से फुलाएं, जब सांस छोड़ के आ रहे हैं अपनी पेट की मांसपेशियों को सिकुड़े, 5 बार करेंगे। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, last time inhale, exhale, relax करें, बालासन, धीरे धीरे वापस आ जाए, लेट जाएंगे, दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचे, पूरा पेट खाली करें, पैरों को आगे की तरफ, हाथों को पीछे की तरफ, रिलैक्स। सांस भरते हुए अपने राइट लेग को 90 डिग्री पे लो, फोल्ड करो अच्छे से, पेट को दबाओ। जो लोग पंजा पकड़ सकते हैं वो अपना पंजा पकड़ेंगे, पंजा नहीं पकड़ सकते तो अपने आपको इस तरह से लॉक कर, जो पैर आपका सीधा है उसको बिल्कुल एक्टिव रखेंगे, आपका पंजा खींचा हुआ, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए वापस आ जाएं। यहीं से अपने पैर को फोल्ड रखें, उसी पैर को लॉक करें और धीरे धीरे ट्विस्ट करें, धीरे धीरे ट्विस्ट करें, पेट को दबा के ही रखें, अपोजिट साइड जाए, फेस आपका अपोजिट साइड, आपका राइट लेग ऊपर था उसी को ट्विस्ट करें, अपोजिट साइड जाए, लेफ्ट साइड फेस अपोजिट साइड, धीरे धीरे वापस आए, रिलैक्स। लेफ्ट लेग को लेंगे, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए पंजे को पकड़े, पूरा पेट दबाए, राइट लेग आपका एक्टिव, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए, धीरे धीरे वापस आ जाए, अपने पैर को लॉक करें, उसी पैर को लॉक करें, अपोजिट साइड जाए, पेट को दबा के रखें,
raise opposite side. धीरे धीरे वापस आ जाए, दोनों पैर एक साथ, फिर से अपने पंजों को लॉक करें, पेट को दबाएं, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे धीरे रिलैक्स करें अपने आप को, दोनों पैर सीधे, एक लंबी और गहरी सांस लें, दोनों पैरों को 45 डिग्री पे होल्ड करेंगे। जिनको बैक इश्यू है वो अपने हाथों को सपोर्ट दे दे, यहाँ पे अपनी बैक पे इस तरह से हल्का सा सपोर्ट ले ले और फिर 45 डिग्री पे जाए। दोनों पैर अगर आपके एक साथ नहीं जाते हैं, आप सिंगल सिंगल लेग भी 45 डिग्री पे जा सकते हैं। सांस भरे, 45 डिग्री पे होल्ड करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे धीरे वापिस आ जाए। जब आप 45 डिग्री पे जा रहे हैं, आप लेटे लेटे सिर्फ अपने पैर के अंगूठी को देखें, वो आपका 45 डिग्री होता है और पूरा ध्यान आपका नाभि के वाइब्रेशंस पे रहे। फिर से एक बार सांस भरे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. शंख प्रशालन के मैंने जो आसन बताए, ताड़ासन, त्रियंग ताड़ासन, स्कंदासन, उसमें एक आसन आता है आपका, दोनों पैरों को फोल्ड करोगे, अपने घुटने में और पंजों में जगह रखेंगे, दोनों हाथ साइड में रखेंगे, शोल्डर सर के बिल्कुल लेवल पे, सांस भरो, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे। जब आप लेफ्ट साइड जा रहे हो, आपका राइट घुटना लेफ्ट पंजे को टच करे, फिर से वापस आए सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए दूसरे साइड, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए, फिर से सांस भरे, सांस छोड़ते हुए, लास्ट टाइम इनहेल, एक्सहेल करते हुए अच्छे से पुश करें अपने आप को, उसे सांस भरे, सांस छोड़ते हुए एंड रिलैक्स। हलासन भी इसमें कॉन्स्टिपेशन में काम करता है, तो जो लोग पूर्ण हलासन नहीं कर सकते हैं वो 90 डिग्री पे होल्ड करेंगे या फिर बॉल सपोर्ट लेके भी आप हलासन में जा सकते हो। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएं, इनहेल, सांस छोड़ते छोड़ते जाएं, सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। जब आप इतना पूरा नीचे अगर पैर टच भी नहीं होता है, यहाँ तक करते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से और हो जाएगा, बट इतना होता है तो उसे भी करें। बिल्कुल धीरे धीरे वापस आए, पैरों को बिल्कुल धीरे धीरे नीचे रखें एंड रिलैक्स। उल्टे लेट जाएंगे, दोनों हाथों को अपने चेस्ट के साइड में रखें, एल्बो अंदर की तरफ, दोनों पैर एक साथ, सांस भरते हुए धीरे धीरे जाएं भुजंग आसन के लिए, वन टू 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 सांस भरते हुए छोड़ते हुए वापस आए, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप करें, शोल्डर जितना गैप कर दें, हाथों को चेस्ट के साइड में रखें, फिर से सांस भरते हुए जाएं, धीरे धीरे ऊपर जाएं, पूरे एल्बो को सीधा कर लें, अपने लेफ्ट साइड देखें, सेंटर में देखें, पूरा राइट साइड देखें, अपनी लोअर बैक को अच्छे से पुश करें, लास्ट टाइम फिर से अपने लेफ्ट साइड देखें, राइट साइड देखें एंड रिलैक्स, रिलैक्सिंग मकरासन। ये सभी आसन कम से कम हमें 1 मिनट तक यानी 3 बार की आवृत्ति 3 बार में करना ही चाहिए, तभी उसके इफेक्ट नजर आते हैं। लास्ट आसन हमारा धनुरासन। धनुरासन में पहले अप एंड डाउन करेंगे और उसके बाद होल्ड करेंगे, दोनों पैरों को पकड़े एंकल से, सांस भरते हुए बोथ साइड अप और फिर आगे पीछे झूले की तरह मूवमेंट लेंगे, पूरा प्रेशर अपनी नाभि पर, फाइव 4, 3, 2 and 1 एक बार रुके, लंबी और गहरी सांस लें, सांस भरते हुए बोथ साइड अप, आपकी पूरी थाइज अप, चेस्ट अप, पूरा प्रेशर आपकी नाभि पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Relax, relaxing Makrasan. धीरे धीरे ऊपर उठे, अपनी स्पाइन को बिल्कुल रिलैक्स करें, दोनों पैरों को खोले, धीरे धीरे वापस आ जाए। बैठ जाएंगे कंफर्टेबल पोजीशन, वज्रासन, सुखासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है उस आसन में बैठ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे। सबसे पहले हम कपाल भाती करेंगे, दोनों हाथों की से ज्ञान मुद्रा बना लें। कपालभाति करते समय आपका ध्यान दोनों भावों के बीच रहेगा। स्टार्ट करेंगे पूरी अवेयरनेस के साथ, जब भी आप थक जाते हैं तब रुक जाएंगे और अच्छे से सांस लें, छोड़ें, लेकिन अपनी आंखों को ना खोलें। एक बार और करेंगे, रिलैक्स, आंखों को बंद ही रखें, बिल्कुल रिलैक्स करें अपने आप को,
एक लंबी और गहरी सांस लें, कुछ सेकंड के लिए रुके, धीरे धीरे सांस छोड़ें। आंखों को खोलेंगे, अपने हथेली से थोड़ा सा प्रेशर बनाएंगे और मूवमेंट लेंगे। जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो पूरा आप लेफ्ट जाएंगे सेंटर राइट और वापस सांस भरते हुए बीच में आ जाएंगे। तो सिर्फ मूवमेंट जो होगा वो सिर्फ आपका पेट का होगा। एक बार देखेंगे, फिर हम तीन बार करेंगे। पूरा अच्छे से प्रेशर बनाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, सिर्फ आपका पेट का मूवमेंट और वापस आएंगे सांस भरते हुए। राइट, सेंटर, लेफ्ट और वापस। एक साथ करेंगे, एक बार क्लॉक करेंगे तीन बारी और तीन बार एंटी क्लॉक। आंखों को बंद करके जब आप समझ जाते हैं तो आंखों को बंद करके पूरी अवेयरनेस आपकी वहां रखें जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए, आ जाए फिर आप एंटी क्लॉक यानी लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स करें अपने आप को। लंबी और गहरी सांस ले, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे और उसके बाद भी आप अपनी आंखें बंद रखेंगे। उसके बाद हम 5 मिनट्स मेडिटेशन के लिए लेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय इसमें आप एक वेरिएशन भी ला सकते हैं। अगर आप बहुत कंफर्टेबल हैं तो हर बार सांस भरते हैं और उसको रोकते हैं तब आप मुंह बंद लगाएं और जब सांस छोड़ रहे हैं तब उद्यान बंद यानी पूरा पेट अपना टाइट करके रखें। अनुलोम विलोम के साथ आप इसको ले सकते हैं वेरिएशन। अगर आप कंफर्टेबल हो अपने लेफ्ट हैंड को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे, राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाएंगे, हाथों से अपान वायु मुद्रा बनाएंगे। आपकी बीच की दो अंगुलियां और अंगूठा इस तरह से मिला हुआ और मन में भाव रखेंगे कि मेरे पेट की क्रिया बिल्कुल ठीक है, मेरी बड़ी आंत सक्रिय हो रही है, ऐसा मन में भाव रखेंगे। बिल्कुल धीरे स्लोली नहीं, अपनी पेट को होल्ड करें। स्लोली एक्सहेल, फिर से सांस भरे, पेट को होल्ड करके रखिए। सांस छोड़ें, पूरी अवेयरनेस के साथ हर बार सांस लेते हुए पेट फुलाएं। सांस छोड़ते हुए पूरा पेट खाली, लेफ्ट से एक्सहेल करके कंप्लीट कर दे। आंखों को बंद ही रखें, अनुलोम विलोम प्राणायाम 7 मिनट से आप शुरुआत करें और कम से कम 15 मिनट और आधा घंटा अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। उसके इफेक्ट बहुत अच्छे होते हैं। मेडिटेशन के लिए आप कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाएंगे, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करें। एक लंबी और गहरी सांस लें, मुंह से एक्सहेल करें, फिर से सांस लें, पूरा मुंह से एक्सहेल करें,
बंद आंखों से सिर्फ अपने आप को देखें, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक सिर्फ अपने आप को देखें। लंबी और गहरी सांस लेते जाएं, अनुभव करें मेरा मन बिल्कुल शांत है, मेरा मन बिल्कुल शांत है, मेरा शरीर तनाव से मुक्त है, मेरा शरीर तनाव से मुक्त है, मेरे पास एक स्वस्थ और मजबूत पाचन तंत्र है, मेरे पास एक स्वस्थ व मजबूत पाचन तंत्र है, मेरा पाचन तंत्र पूरी तरह से तनाव से मुक्त है। लंबी और गहरी सांस लेते जाएंगे और सिर्फ अपने आप को देखते जाएं। मैं तनाव व चिंता से मुक्त हूं, मैं अपने पेट को हीलिंग एनर्जी भेज रही हूँ, भेज रहा हूँ, मैं अपने पेट को हीलिंग एनर्जी भेज रही हूँ। मैं अपने भोजन को बहुत अच्छे से चबाते हुए आनंद के साथ खाती हूँ, मैं अपने भोजन को बहुत अच्छे से चबाते हुए आनंद के साथ खाती हूँ। मैं अपने भोजन का आनंद उठाती हूँ और उसे आसानी से पचा सकती हूँ। मैं अपने मन और शरीर को आसानी से शांत रख सकती हूँ। मैं अपने मन और शरीर को आसानी से शांत रख सकती हूँ। लंबी और गहरी सांस लेते जाएं और सिर्फ अपने आप को देखते जाएं। मन व शरीर को जितना शांत रखती हूँ उतना मुझे भोजन पचाने में आसानी होती है। मैं ऐसे सभी डर, चिंता और क्रोध को त्याग रही हूँ जो मैंने आज तक दबा कर रखे। मैं ऐसे सभी डर, चिंता और क्रोध को त्याग रही हूँ जो आज तक मैंने दबा के रखे। मेरी भावना को व्यक्त करना अब मेरे लिए बहुत आसान है। मेरी भावनाओं को व्यक्त करना मेरे लिए अब आसान है। मैं ऐसा कोई भी संघर्ष या टकराव जो मैंने अपने भीतर दबा के रखा है उसे त्याग रही हूँ। ऐसा कोई भी संघर्ष या टकराव जो आज तक मैंने दबा के रखा है उसे त्याग रही हूँ। किसी भी तरह की कुंठा या हताशा जो मेरे भीतर दबी हुई है उसे त्याग रही हूँ। किसी भी तरह की कुंठा या हताशा जो मेरे भीतर है उसे त्याग रही हूँ। मेरे भीतर दबी हुई कोई भी तरह की बेबसी या नेगेटिविटी को मैंने आज तक जो दबा के रखा है उन सभी को त्याग रही हूँ। मैं
बहुत ही हल्का महसूस कर रही हूँ। अनुभव करें आपका शरीर, मन और मस्तिष्क बिल्कुल हल्के हो गए। शरीर के कण कण में आनंद की अनुभूति करें। अनुभव करें कि पूरे शरीर में नई शक्ति का संचार हो रहा है। मैं अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। मैं अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती हूँ। एक लंबी और गहरी सांस लें। टो से लेकर हेड तक सिर्फ अपने आप को देखें। अपने दोनों हाथों को, अपनी एनर्जी को अपनी आंखों पर लगाएं। धन्यवाद करें सभी डिवाइन गुरु और डिवाइन एंजल्स और धीरे धीरे पूरे हाथों को अपने शरीर पर फैलाएं। ईश्वर का धन्यवाद करें। धीरे धीरे अपनी आंखों को आपको अनम्यूट कर पाएंगे। जय जिनेन्द्र। माधुरी जी बहुत सुंदर हर सेशन जैसे आपका रहता है उसी तरह आज का भी बहुत सुंदर, अलग ही रहता है हर बार आपका। आज भी बहुत सुंदर जानकारी और बहुत सुंदर योगाभ्यास आपने लिया। और ये जो आजकल बहुत सर ने जैसे बताया कि आजकल बहुत एक बीमारी जैसी हो गई है अपने को, सबको, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक होता ही है। कंप्यूटर के सामने बैठते उससे भी होता है ऐसे। तो आज बहुत ये वीडियो भी है, जब भी हम ग्रुप में डालेंगे सबको बहुत फायदा हो जाएगा। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम आराम। ओम आराम। जय जनेंद्र सर। जय जनेंद्र सबको बहुत अच्छी तरह से करवाया, हमने अच्छे से किया भी और अच्छा लगा, इसलिए धन्यवाद माधुरी जी को भी और आपको भी सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर अनिता जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। माधुरी जी बहुत सुंदर लिया माधुरी जी, आज आपने सभी आसन बहुत अच्छे थे, उससे हमारे एनल के जगह के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और इसलिए जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनको वात की मूवमेंट अच्छी तरह होने से सुबह सुबह मोशन हो जाती है। और इसके साथ सभी लोग अगर गाय का घी और गर्म पानी रात को सोते वक्त लेते हैं तो उससे भी बहुत फायदा होगा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। नमस्कार। आसन तो आपके बहुत अच्छे थे, पर जो मेरे से हो पाए वो मैंने किए, जो नहीं हो पाए वो नहीं किए। और ध्यान तो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मेरे साथ साथ सभी बोलिए, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन, आनंदमय हो, शांति शांति के साथ कल्याणम योग केंद्र की तरफ से जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।